हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अब देखें जैनब का क्या बनेगा, क्योंकि फ्रेंड हलील इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रेजी हो चुका है। उसको लग रहा है जैनब और बुलंद मिलकर उसके साथ मिलकर जो है उसके स्ट्रैप सेट कर रहे थे, और वो जैनब और बुलंद को एक साथ देख कर और ज़्यादा क्रेजी होगा। अब जैनब को देख के उसको पनिश करेगा खुद। और फ्रेंड्स, अब देखें हलील जैनब को जो है समर हाउस लेकर जाएगा और वहाँ पर उसको रखेगा जब तक वो सब कुछ कन्फेस नहीं कर लेती। तो फ्रेंड्स, हलील जो है वो जैनब को बहुत ज़्यादा मिसट्रीट करेगा, क्योंकि वो और ज़्यादा जो है इस पर बिलीव कर रहा है और जैनब की बातों पर बिलीव नहीं करेगा। इवन कि वो जैनब की कोई बात सुने कभी नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स जैनब ट्राई करेगी उसको सब कुछ एक्सप्लेन करने की, लेकिन हलील उसकी कोई भी बात नहीं मानने को तैयार। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हलील और जैनब का क्या बनता है, और जो जैनब है कैसे प्रूव करवाएगी हलील को कि वो इनोसेंट है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ प्रूव करना और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हलील के पास उसके अगेंस्ट सभी एविडेंस हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब जैनब क्या करती है और हलील और जैनब का क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स, अब देखें स्टोरी में क्या बिगेस्ट चेंजेस आते हैं, और जो जैनब है वो कैसे इस ट्रबल से निकलने में कामयाब होगी, क्योंकि फ्रेंड्स उसकी लाइफ में जो बिगेस्ट ट्रबल है अब वो बुलंद की वजह से आई, और अब सब कुछ वो चेंज कर देगी। और हलील देखें वो क्या करेगा जब उसको सारा सच पता लगेगा कि जैनब उसके अगेंस्ट कोई भी ट्रैप सेट नहीं कर रही थी, वो इनोसेंट थी। लेकिन अब देखिए फ्रेंड्स, वो कब तक पता लगते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर सच पता ना लगा तो हली और ज़्यादा जो जैनब उसको हर्ट करेगा और जैनब की सफरिंग और ज़्यादा इंक्रीज होंगी। तो देखिए फ्रेंड, अब जैनब कैसे बचती है और कौन इसको जो प्रूव करेगा कि जैनब इनोसेंट है, क्योंकि फ्रेंड जैनब जो है पूरी कोशिश कर रही है लेकिन कोई उसकी हेल्प आउट नहीं कर रहा। और अब देखें हलील क्या करते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड जैनब की लाइफ में ट्रबल्स इंक्रीज हो रही हैं डे बाई डे, और अब देखें फ्रेंड जैनब कब तक ये सारा बर्डन बेयर कर पाएगी और प्रूव करती रहेगी सबको, क्योंकि फ्रेंड हलील उसकी किसी भी बात पे अब ट्रस्ट नहीं करेगा। तो देखें फ्रेंड्स, अब जैनब के लिए इस चीज़ को प्रूव करना और कितना ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है, लेकिन वो फिर भी गिव अप नहीं करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव, सी यू, बाय बाय।